Hi all, it's me Prakshi and you are watching Prakshi Versatile channel. आज की जो वीडियो है वो एक फेशियल वीडियो है. ये मेरी दूसरी फेशियल वीडियो है. इससे भी पहले मैंने एक फेशियल वीडियो बनाई थी पर वो मैंने एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई थी, तो उसका जो लिंक है मैं आपको ऊपर नोटिफिकेशन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं. आज की फेशियल के लिए मैं VLCC की गोल्ड फेशियल किट यूज करने वाली हूँ. इस फेशियल किट के बारे में मैंने बहुत सुना है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है. इस फेशियल किट को मैं अपने फेस पर यूज करूंगी, देन यू कैन जज एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑन माई फेस, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसे रहने वाला है. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो एंड जो भी रिव्यू होगा मैं आपको उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी. जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो टैगलाइन है वो यही है, गेट पार्लर लाइक ग्लो. तो ये आपको पार्लर जैसा ग्लो देने वाला है. घर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं. अगर पार्लर में भी जाएंगे तो आपको अलग अलग फेशियल के प्राइस बताते हैं, लाइक VLCC का गोल्ड डायमंड पर्ल, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चार्ज करते हैं. और आपका जो बिल है, अगर आप ये सेम फेशियल यूज करवाते हैं पार्लर में, तो आपका जो बिल है वो अराउंड 1000 एंड मोर देन 1000 ही जाएगा. इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 250 रुपीज है, पर ये जो फेशियल किट है ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाई है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि मुझे वहां पर ये थोड़ा कम प्राइस में मिल गई है. कम क्या मतलब, अराउंड 180 रुपीज में मिल गई है. इसमें जो है व्हाइट एंड ब्राइट ग्लो जेल क्रीम जो है वो फ्री मिल रही है, और जिसकी क्वांटिटी है वो है 20 ग्राम. इसमें जो है 6 स्टेप है जो कि इधर मेंशन है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पहले कौन सा स्टेप करना है एंड उसके बाद कौन सा स्टेप करना है, सब इधर मेंशन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको घर पर यूज करने के लिए है. एंड इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींजर एंड टोनर, देन स्क्रब, देन जेल क्रीप पैक एंड देन मॉइस्चराइजर. चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ. ये व्हाइट एंड ग्लो जेल क्रीम जो कि इसके साथ फ्री आई है. इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक ऑलिव ऑयल है, आपका वीट जेम है, एंड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं. देखिए इसमें जो क्रीम स्क्रब एंड जो भी पील ऑफ मास्क है आपको इस टाइप की ट्यूब में मिलेंगे. ये पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. पहले जो भी स्क्रब जेल एंड जो भी ये 6 स्टेप है वो सब सैशे में आते थे, बट अब जो है वो ट्यूब फॉर्म में आ रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि सैशे में आते हैं. अगर आप उसको यूज करते हैं और उसको रख देते हैं तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर ट्यूब में आप उसको यूज करिए, बंद करके रख सकते हैं आप उसको अच्छे से, तो ये मुझे अच्छा लगा काफी. इसकी जो स्टेप्स हैं वो इस पर अच्छे से मेंशन है कि पहले हमें कौन सा स्टेप करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा, तो इस पे अच्छे से स्टेप जो है बहुत ही अच्छे से मेंशन है. अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्लियरली मेंशन किया गया है. फर्स्ट स्टेप है क्लींजर. क्लींजर को हमें अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई करना है. ये जो है जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे हमारे फेस पे उसको अच्छे से रिमूव कर देगा, एंड जब आप फर्दर स्टेप्स करेंगे तो जो भी डस्ट वगैरह है आपके फेस के अंदर नहीं जाएगी. नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब. स्क्रब को हमें अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करके 3 to 4 मिनट हमें अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है. ये जो स्क्रब है इसमें गोल्ड लीफ होती है, विटामिन ई होता है, एंड टर्मरिक एंड एलोवेरा जेल होता है, जो कि आपके फेस पे जो भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, और जो भी डेड स्किन सेल्स हैं उसको रिमूव करता है. गोल्ड स्क्रब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ और उसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. मैं इसको पहले अपने फेस पे पूरी तरह अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. स्क्रब करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही जेंटली अपने फेस पे स्क्रब करना है. ये नहीं कि आप बहुत हार्श वे में करें तो फिर आपके फेस पे रैशेस आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा जेंटल वे में से मसाज करनी है. अभी मैं जैसे स्प्रेड कर रही हूँ अपने फेस पे,
स्क्रब को, उसके बाद मैं जेंटली अपने फेस पे मसाज करूंगी। मैं अपने चीक एरिया को एक्सफोलिएट कर रही हूँ। सेम स्टेप मैं अपने अदर चीक पे भी करने वाली हूँ। अभी ये जो मेरा नोज एरिया है, जो भी इसमें ब्लैकहेड्स है और व्हाइटहेड्स है, उसके लिए मैं अपनी रिंग फिंगर को यूज करके अपनी जो नोज एरिया को एक्सफोलिएट कर रही हूँ। हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा कम प्रेशर अप्लाई करना है, नहीं तो रेशेस हो सकते हैं। ऐसे करने से जो भी हमारी स्किन पे डेड स्किन सेल्स है वो सब रिमूव हो जाएंगे। स्क्रब करने के बाद मैंने अपनी स्किन अच्छे से वॉश कर ली है और मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप आउट कर रही हूँ। अब मुझे सेकंड स्टेप के बाद ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा जो भी डेड स्किन सेल्स थे मेरे स्किन से वो रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है गोल्ड जेल। तो इस गोल्ड जेल को हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है एंड सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। हमें इस गोल्ड जेल से तब तक अपने फेस पर मसाज करनी है जब तक कि हमारे फेस पे अराउंड 80-85% एब्जॉर्ब ना हो जाए। और इस गोल्ड जेल में गोल्ड ऑक्साइड रहता है, जेंथागम रहता है एंड बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। पास बहुत ही आराम से जो है मसाज करनी है क्योंकि ये हमारी आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आप केयरफुली आप इससे मसाज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है गोल्ड क्रीम। गोल्ड क्रीम को हमें अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करके 5-10 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। जिससे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आपको वैसे ही मसाज करना है एंड इसमें वीट सम होते हैं, गोल्ड लीफ होते हैं एंड बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है VLCC पील ऑफ मास्क। इस पील ऑफ मास्क को आपको अपने चेहरे पर एक थिन लेयर अप्लाई करनी है एंड जब तक ये ड्राई ना हो जाए आपको उसको सूखने देना है। एंड जब आप उसको उतारे तो आपको उसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको रिमूव करना है। और इसमें जो होता है लेमन पील ऑफ रहता है, गोल्ड ऑक्साइड रहते हैं। मॉइस्चराइजिंग जेल। तो जब भी हमारे ये 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें इस जेल को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। और ये जो होता है बिल्कुल ऑयल फ्री रहता है, ये आपके फेस पे चिपचिपाहट नहीं लाएगा। इस फेशियल को आप जरूर जरूर अपने फेस पर ट्राई कीजिए और जो इसका रिजल्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस फेशियल को यूज करके आप घर पर ही एक ब्यूटीफुल स्किन पा सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता दूसरे लोगों को भी इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।